सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। पार्टी के मिशन 25 को पूरा करने की दिशा में वे पूरी तरह से लगे हुए हैं और प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करके हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत उन्होंने राजधानी के हरमाड़ा में भी जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी कृष्णा पूनिया के समर्थन में समर्थन मांगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय भाजपा को राम मंदिर और धर्म याद आते हैं। भाजपा चुनाव जीतने के लिए धर्म की राजनीति करती है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार को युवाओं और किसानों की हितैषी बताया। उन्होंने पूर्व सीएम राजे पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के विकास योजनाओं को उन्होंने बंद किया। प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस को युवा और किसानों की हितैषी बताया। हमने पहले भी मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोर बनाया था जिसमें पूरा पैसा सरकार देती थी गरीब आदमी को इलाज का। 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब की बात बता रहा हूँ। अफसोस हुआ 5 साल के बाद में भी गरीब तक बात पहुँच नहीं पाई तो जितना फायदा मिलना चाहिए तो मिल नहीं पाया था। उससे बाद में उन्होंने कई योजना बना दी, दवाएं फ्री कर दी, जांचें फ्री कर दी, सब कुछ किया। अब सरकार अभी बनी है, बनते ही हमने कहा है कि अब 3 दवाएं और जो हार्ट की, किडनी की और कैंसर की बहुत महंगी होती है, वो हमने कहा वो दवाएं फ्री कर दी। इस प्रकार से एक के बाद एक सरकार लगातार फैसला कर रही है और आप देखेंगे एक आने वाले वक्त के अंदर, जैसे हमने गरीबों को 1 रुपये किलो गेहूँ की बात की है, पहले हमने सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जमाने में बहुत शानदार फैसले हुए थे, जब लाल सिंह कटारिया जी केंद्रीय मंत्री थे, सचिन पायलट जी केंद्रीय मंत्री थे, तब भी यूपी गवर्नमेंट ने कमी नहीं रखी थी। जो काम किए आज़ादी के बाद में अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी। पार्लियामेंट में कानून पास करके नरेगा योजना लागू की रोजगार के लिए, शिक्षा का अधिकार दिया जनता को, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, 2 रुपये किलो गेहूं पूरे देश में, 3 रुपये किलो चावल, सूचना का अधिकार दिया गया, तो ये तमाम अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई थी। ये चुनाव इस देश के भविष्य को तय करने वाले चुनाव हैं। इन चुनावों के अंदर जो बदलाव 3 राज्यों में हुआ है अभी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, वही बदलाव पूरे देश में हमको दिखाई दे रहा है। हर जगह लोग आज सवाल उठा रहे हैं, केंद्र की सरकार ने 5 साल तक लोगों से जो वादे किए थे उनको पूरा करने की बजाय पूरे देश में लोगों के जज्बातों को हवा देकर वोट लेने की पुनः कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भाजपा के साथी कर रहे हैं। हम सभी लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और राजस्थान के बाहर तमाम विपक्ष के पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुटता से काम कर रहे हैं कि बदलाव हो। 23 मई को जब परिणाम आएंगे, इस देश में एक नई सरकार बनेगी, एक नए प्रधानमंत्री 23 मई को बनकर जाएंगे। पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां हम लोग गए हैं वहां बहुत बेहतर रिस्पॉन्स है। सभी नौजवान किसान चाहते हैं कि कांग्रेस में पार्टी ने जो सरकार बनने के बाद काम किए हैं 3 महीनों में, उसे और आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनानी है।